वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में आपकी जो गैसेस, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। हम उन तीनों के बारे में पढ़ेंगे जो आपका जिन तीन चीजों से मिलकर आपका अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर बनता है, तैयार होता है। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले हैं गैसेज। जो गैसेज आपके एटमोसफेयर में तीन चीजों से मिलकर बना है, उसमें पहली चीज है गैसेज, जो मेन पार्ट है उसका। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेटलॉजिकली ए वेरी इंपॉर्टेंट गैस एज इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ऑपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इन सब में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेन है। क्यों? क्योंकि जो आपकी सोलर से, सूर्य की तरफ से जो किरणें आती हैं, रेडिएशन आती है, उसके लिए ट्रांसपेरेंट है ये गैस, यानी कि वो उसको अंदर आने देती है। बट जब वो वापस अर्थ से टकराकर वापस आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, यानी कि जो टकराकर वापस ऊष्मा, हीट या रेडिएशन वापस जाती है, उसको वो रोक लेती है। ठीक है, उसको रोक लेती है और उसके बाद इट अब्सॉर्ब्स ए पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट ऑफ इट टुवर्ड्स द अर्थ सर्फेस। उसको वापस रोक के उसने कुछ को अब्सॉर्ब कर लेती है और कुछ को वापस अर्थ की तरफ फिर से रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, कुछ को अपने पास अब्सॉर्ब कर लिया, कुछ को वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर लिया। इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ के अंदर होता है ना, अर्थ के ऊपर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसके लिए मेनली ये रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? हीट आई सन की तरफ से, उसको उसने अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया, वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। And the volume of carbon dioxide has been rising in the past few decades, mainly because of the burning of fossil fuels. This has also increased the temperature of the air. अब जो है वॉल्यूम जो कार्बन डाइऑक्साइड की है वो पिछले कुछ दशकों से वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स आपके स्पीडली बर्न किए जा रहे हैं और फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। और इसी वजह से जो भी मैंने रीजन दिया ना, उसको हीट को अब्सॉर्ब कर लेती है, तो इसी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है एयर का, हवा का, अर्थ के आसपास का, वो बढ़ रहा है। एंड ओजोन जो है आपकी एक अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एटमोसफेयर का, जो लगभग 10 से 50 किलोमीटर की हाइट के बीच में पाया जाता है अर्थ सरफेस से ऊपर, और एज अ फिल्टर एंड अब्सॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएटिंग फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये एज 10 से 50 किलोमीटर की हाइट पे पाया जाता है और क्या करता है, एक फिल्टर का काम करता है, मतलब छानने का काम करता है। किसको? अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना सन की तरफ से, जो हार्मफुल रेडिएशन होती है उनको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और उनको धरती की तरफ, धरती तक पहुंचने के से उनको रोकता है। ठीक है, ये कुछ जो कुछ दो लेयर्स थी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। उसके अलावा भी बहुत सी गैसेस, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन जो हमारे लिए यूज ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए यूजफुल है, ठीक है, आर्गन है, ये इसमें इसका अमाउंट दे रखा है इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टो, ज़ेनॉन, हाइड्रोजन वगैरह, इनके इसने आपके जो है वो दे रखे हैं अमाउंट, कितना कौन सा कितना, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 20, और ये इस प्रकार से आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.93 इस प्रकार से पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वाटर वेपर्स। अब दूसरा जो पार्ट है हमारे पास एटमॉस्फेयर में वो है वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स इज आल्सो ए वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर व्हिच डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स। इट मे अकाउंट फॉर द 4% ऑफ द एयर अबाउट ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम, व्हाइल इन द एयर ड्राई एंड कोल्ड एरियाज ऑफ डेजर्ट एंड पोलर रीजन इट मे बी लेस देन 1% ऑफ द एयर। तो वाटर वेपर जो वेरिएबल जो गैस हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें आपका गैस के साथ पाया जाता है, उसके अराउंड ही पाया जाएगा, तो ये भी एल्टीट्यूड, जितनी हाइट बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग ये भी घटता जाता है। जैसे गैसेस का था ना, एक हाइट पे जाने के बाद गैसेस, जो कुछ गैसेस नहीं पाई जाती है, वैसे ही वाटर वेपर्स भी, जितनी हाइट बढ़ेगी उतने वाटर वेपर्स कम होते जाएंगे। और जो वार्म और वेट ट्रॉपिक एरियाज होंगे वहां पर 4% जो है एयर के अंदर, 4% जो एरिया वॉल्यूम का होगा वो वाटर वेपर्स का होगा, लेकिन जो ड्राई, सूखे और ठंडे रीजन होंगे, डेजर्ट होंगे, पोलर रीजन होंगे, वहां पर 1% से भी कम जो है आपकी एयर के अंदर ये देखने को मिलते हैं वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स जो है वो इक्वेटर से पोलर की तरफ जाते हैं तब भी इंक्रीज डिक्रीज होने लगते हैं। ठीक है, इक्वेटर टू पोलर साइड जब जाने लग जाते हैं तो भी ये घटने लग जाते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे जो है ज्यादा इवेपोरेशन होता रहता है टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, और पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घट जाता है और इवेपोरेशन की प्रोसेस भी कम हो जाती है, तो वाटर वेपर्स कम पाए जाएंगे।
एंड इट ऑल्सो अब्सॉर्ब पार्ट ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएटेड हीट. तो जो ये आपकी सन की तरफ से जो हीट आती है, इंसुलेशन आती है, हीट आती है, उसको भी अब्सॉर्ब करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो अर्थ के ऊपर उष्मा या तापमान बढ़ना होता है उसको थोड़ा सा ये कंट्रोल करता है, कुछ हद तक, ज्यादा नहीं, कुछ हद तक. इट डस एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट अलाउिंग द अर्थ नाइदर टू बिकम टू कोल्ड और नॉट टू हॉट. ये इस तरीके से काम करता है, अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुआ है, ना तो उसको वो ज्यादा गर्म होने देता है ना ज्यादा ठंडा होने देता है. वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर. तो वाटर वेपर जो है, जो हवा का रुख है, उसको स्टेबल रखने के लिए या इनस्टेबल होने में जो वाटर वेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है अर्थ के ऊपर. नेक्स्ट जो है, अब ये दो हो गए, नेक्स्ट जो इसमें है कंपोजिशन में वो है डस्ट पार्टिकल्स. डस्ट पार्टिकल्स जो है, अब आपने कभी कमरा, बंद कमरे के अंदर एक रोशनदान से हवा आती हुई देखी है, रोशनी आती हुई, रोशनी देखी है. रोशनी के अंदर आप कभी ध्यान से नोटिस करेंगे, आपको हल्के हल्के जो है रूएं जैसे डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं, कुछ हवा में कण दिखाई देते हैं, उन्हीं को डस्ट पार्टिकल कहा जाता है. एंड एटमोसफेयर हैज ए सफिशियंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स. एटमोसफेयर के अंदर वो कैपेसिटी होती है कि उन सॉलिड पार्टिकल्स को वो कैरी कर सकती है. अब वो जो जहां से कहां से ओरिजिनेट होंगे, विच में ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड इंक्लूड सी साल्ट, फाइन सोइल, स्मोक सूट, ash, pollen, dust or disintegrated particles of the meteorites. तो अलग अलग सोर्स से आ सकते हैं, उनका ओरिजिन का पॉइंट अलग अलग हो सकता है, ठीक है. सोयल का, सी साल्ट का हो सकता है, धुएं के कण हो सकते हैं, राख के कण हो सकते हैं, डस्ट के हो सकते हैं, ठीक है, और इवन मेट्रोइड्स के जो है पार्टिकल्स हो सकते हैं उसके अंदर. तो डस्ट पार्टिकल्स जो है आपके क्या होते हैं, आर जनरली कंसेंट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. ये भी आपका जो लोअर लेयर होगी ना एटमोसफेयर की, नीचे वाली, उसी में, ज्यादा हाइट पर नहीं देखने को मिलेंगे, लेयर जो अर्थ सरफेस के पास वाला एरिया होगा वहां पर देखने को मिलेंगे. येट कन्वेंशनल एयर करंट में ट्रांसपोर्ट देम टू ग्रेट हाइट्स. जो आपकी कन्वेंशनल करंट्स होती है, एयर होती है, एयर करंट्स होती है, वो उनको हो सकता है एक टाइम के लिए अपने साथ हाइट, काफी हाइट तक जो है उठाकर लेके जा सकती है, बट नॉर्मली ये आपको सरफेस के पास दिखाई देंगे. The higher concentration of dust particles is found in subtropical and temperate regions due to dry winds in comparison to equatorial and polar regions. तो ज्यादा जो आपका इस dust particle का comparison आपको कहाँ देखने को मिलता है, subtropical और जो temperate region होते हैं ना वहां पर, क्योंकि यहाँ पर temperate और subtropical में क्या होता है, dry winds होती हैं, ठीक है, किसके मुकाबले में, equator और polar region के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा dry wind देखने को हमें मिलती है subtropical और temperate region में. इसी वजह से इस dry wind के साथ dust particles ज्यादा होते हैं. And dust and salt particles act as hygroscopic nuclei around which water vapors condense to produce clouds. अब हमें पता है कि क्लाउड वाले चैप्टर में जो हम देखेंगे कि जो क्या कहते हैं आपका, जो वाटर वेपर्स होते हैं ना, वाटर वेपर्स जो होते हैं वो जब कंडेंस होकर उसमें ड्रॉप के में कन्वर्ट होकर बारिश होती है, उसको एक वाटर वेपर्स को एक जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए, मतलब एक ऐसा कण चाहिए जिसके अराउंड वो इकट्ठे होकर वापस जुड़ सके वाटर वेपर्स. तो ये कण के रूप में जो काम करता है, ये कण जो हमने देखा है, ये जो कण के रूप में काम करता है, ये आपका डस्ट पार्टिकल काम करता है, जिसके अराउंड जो है आपका वाटर वेपर कंडेंस होकर इकट्ठे होते हैं, ठीक है. तो ये चीजें आपकी डस्ट पार्टिकल्स के बारे में. तो ये तो हो गया आपका कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर. ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे अलग अलग जो लेयर्स है आपकी एटमोसफेयर की, जैसे कि यहाँ पर है ये स्ट्रक्चर जो है एग्जोस्ट, नीचे से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन.